नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं हटिया विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आगाज होने के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं और वोटरों का नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे पीछे जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये नवीन जायसवाल के पक्ष में पदयात्रा निकाले हुए हैं। और आज इस पदयात्रा में नवीन जायसवाल की पत्नी की रवीना जायसवाल हैं और ये लोगों से अपने पति के नवीन जायसवाल के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। क्या लग रहा है रवीना जी, इस बार क्या चौथी बार हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या आपके पति के पक्ष में वोट देंगे, क्या लग रहा है? 100% उम्मीद है कि सब कोई उनको अपना आशीर्वाद जरूर देंगे और आज तक वो जो भी काम करते आए हैं उनके उनका काम देख करके लोग उनको जरूर अपना पक्ष देंगे और उनको फिर से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्योंकि एक तरफ महागठबंधन सरकार की दहार दिख रही है, तो आप अपनी पार्टी की या फिर बीजेपी की कहां तक मजबूत दावेदारी देख रहे हैं? देखिए, ये जो भी इनका सरकार है ये महागठबंधन जरूर कहने के लिए है, काम के लिए नहीं। काम जो भी किया आज तक भारतीय जनता पार्टी पूरा इंडिया लेवल में काम किया है, तो अब झारखंड में भी एक मौका मिलेगा तो वह धुआंधार काम करके दिखाएंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं उनके जैसा पीएम आज तक नहीं बना है, इसलिए अब जो भी काम होगा उनके नेतृत्व में जैसा काम होगा कि पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड देखेगा। रवीना जी, चूँकि आप एक खुद महिला हैं, आप हटिया विधानसभा, हो सकता है समय मिलता होगा तो आप नेताजी के साथ जाते होंगे, तो तीन बार जनता ने उनको जन समर्थन दिया, चौथा बार यदि मौका मिलता है तो कौन सा वो अधूरा काम जिसको आपको पूरा करने की मलाल या कसस आज भी रहेगी जिसको आप पूरा करेंगे अगर जनता चौथी बार अगर मौका दे तो? आपको सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि जितनी भी महिलाएं हैं या जो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती हैं, सबसे पहला वह उनका सुरक्षा रहेगा, क्योंकि अब जिस तरह से क्राइम बढ़ते गया है इन कुछ सालों में, वो क्राइम को कंप्लीट करना है। सबका जितने बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, जिस जगह में भी अभी पानी सही ढंग से नहीं मिलता है, ये सब काम, और फिर बाकी जनता का जो भी काम रहेगा वो जैसा वो बोलेंगे उसको पूरा करेंगे। रवीना जी, ये बताइए कि एक तरफ महागठबंधन सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में 2500 रुपये 1000 रुपये से बढ़ाते हुए वो 2500 रुपये प्रतिमाह देने जा रही है मैया सम्मान योजना के माध्यम से, वहीं आप लोग यदि सरकार यानी कि आपकी सरकार बीजेपी की सरकार झारखंड में आती है तो उनका वादा है हमारी सरकार आएगी हम महिलाओं को सशक्त आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए 2100 रुपये देंगे, तो ये मैया सम्मान और गोगो दीदी के बीच में क्या लग रहा है, जनता भटक तो नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं, जनता कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। अगर इनको देना रहता तो 5 साल से ये कुछ किए होते, 5 साल बाद अचानक 3 महीना में जो वो कर रहे हैं, आज हम जितनी जगह भी सभा किए सब जगह जितनी भी माताएं हैं वही बोलने के हमारा 3 महीना से वृद्धा पेंशन नहीं मिला और सबको मैया योजना मिला, तो कारण क्या है आप लोग और जनता खुद समझती है, हमको बोलने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, हम और भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है महिला जो वोटर हैं वो मैया सम्मान और गोगो दीदी के बीच में कहीं गड़बड़ा तो नहीं जाएंगे? नहीं भटके। आप लोग 400 कम दे रहे हैं वो 400 बढ़ा के दे रहे हैं तो वो भटकेगा ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो काम किया है और ये गठबंधन की सरकार नहीं ठगबंधन की सरकार है, और जब ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो महिला को सशक्त तो बना ही रहे हमारे नरेंद्र मोदी जी और आगे भी बनाएंगे, तो इसलिए महिलाओं को नहीं चाहिए 2500 नहीं चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, सशक्त चाहिए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार आएगी पूर्व बहुमत के साथ बनेगी और ये झारखंड में बनेगी सरकार। आपको क्यों लगता है कि झारखंड में पुनः एक बार, चूँकि बीजेपी जो है कि सत्ता से 5 साल से बाहर है, बेदखल है, तो क्यों लग रहा है आपको कि पुनः एक बार बीजेपी की सरकार झारखंड में बनेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और एकदम 100% जैसे भाभी श्री ने कहा कि हमारी जो सरकार है हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहा है, जनता को जो समस्या है उसको सारी चीज़ को धरातल में उतारने का काम कर रहा है, इसलिए 100% मैं भी दावा के साथ कहूँगा कि इस बार झारखंड मेरा भाजपा का सरकार बनेगा। चलिए, हम और भी नेताओं से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है सर
इस बार झारखंड में आखिर जनता क्यों बदलाव करेगी? देखिए आजकल क्या है ना कि पूरा झारखंड त्रस्त है इस हेमंत सोरेन की 5 साल की जो सरकार है ना, खिचड़ी सरकार है, इससे पूरा जनता त्रस्त हो चुकी है। आपको ना तो नौकरी मिला, ना पेंशन मिला, ना वृद्धा पेंशन मिला, लास्ट में ये लोग लॉलीपॉप दिए कि भैया आपको 2500 देंगे। और मोदी जी का जो है वो नेतृत्व, वो गारंटी वाला नेतृत्व है, उनको मालूम है कि मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा होता है। ये 2500 दे देंगे, 25,000 भी कर दें। सरकार की चुनावी मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है झारखंड में तो 500 में सिलेंडर साल में 2 बार मुफ्त रहेगा। हाँ। बाकी और भी राज्यों में आपकी सरकार है तो वहाँ आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? झारखंड में ही आप लोग चुनावी वादा क्यों कर रहे हैं? देखिए झारखंड में आदिवासी महिलाएं ज़्यादा हैं, इनको चूल्हा और चक्कों की जो ज़्यादा जरूरत है। हर राज्य की अलग अलग आवश्यकता होती है, उस हिसाब से पार्टी निर्णय लिया जाता है। और भी नेताओं से सीधे जुड़ेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। सर क्या लग रहा है कि इस बार महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ झारखंड को लूटने खसोटने का काम किया है, जो काम 16-18 साल के कार्यकाल में बीजेपी का नहीं हुआ वो काम हमने 5 साल में कर दिया, हेमंत सरकार के नेता कह रहे हैं? ये तो साफ साफ जनता देख भी रही है, पूरा राज्य क्या पूरा देश देख रहा है कि राज्य करते हुए पहला मुख्यमंत्री घोटाले में वो जेल गए और अभी बेल पर बाहर हैं, और उनके साथ साथ उनके जितने भी नेतागण एक एक करके कई हजार करोड़ का घोटाला में जेल जा रहे हैं। सिर्फ कर्मचारी, उनके कर्मचारी, नेता, सब कोई जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार में। क्या लग रहा है इस बार झारखंड के जनता बदलाव करेगी या फिर पुनः एक बार महागठबंधन की सरकार को लेकर आएगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल बदलाव होगा ही और होगा ही, क्योंकि इतना भ्रष्ट नेता हमारे बीच राज कर रहा है, उससे जनता बिल्कुल पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। हम खास करके हम महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, हमें ऐसा लगता है हमारी सुरक्षा करने वाले हमारी भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सरकार पे आए, और हम भगवान से और साथ भारत के जनता से, इवन झारखंड के जनता से अपील करते हैं कि बदलाव लाइए और वापस से हमारे बीजेपी सरकार को वापस से वोट दे करके उनका मतदान बढ़ाइए। धन्यवाद। आप लोग तो 16-18 साल राज किए झारखंड में, तो विकास नहीं हुआ क्या? विकास आप खुद देख सकते हैं, विकास हुआ कि नहीं हुआ, आपको दिख रहा होगा विकास हुआ कि नहीं। विकास तो हुआ, लेकिन वो जो है वो गठबंधन की सरकार रोड़ा डालती रही, उसमें सफलता पूर्वक करने नहीं दी विकास को, सफलता पूर्वक करने नहीं दिया, रोड़ा डाल डाल के अटका दिया हर काम। क्या लग रहा है इस बार झारखंड की जनता बदलाव करेगी? बिल्कुल करेगी, हर कोई करेगा, लेडीज और जेंट्स। क्यों आपको क्यों लग रहा है कि बदलाव होगा? इसलिए कि अब जनता जाग चुकी है, देख चुकी है कि गठबंधन की सरकार और मजबूत सरकार क्या होती है, डबल इंजन की सरकार। इसलिए सब पूरा गठबंधन की सरकार को हटा के अपना डबल इंजन की सरकार को लाना है और अपना प्रदेश को। हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, आप एक खुद युवा हैं, युवाओं के लिए झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सरकार की महागठबंधन की सरकार कितना काम किया? 5 साल युवाओं का ठकने का काम किया, जो उन्होंने बोला था कि हम लोग स्टाइपेंड देंगे और ये क्या बोलते हैं स्टाफ, जैसे हमारा उन्होंने अपना घोषणा पत्र में ये जारी किया था कि जैसे मेरा सरकार बनेगी और पहला कैबिनेट का बैठक होगा उसमें कैबिनेट में हम फैसला लेंगे कि युवाओं का रोजगार 5 लाख रोजगार और युवाओं का बेरोजगारी भत्ता देना देंगे। लेकिन आज देख लीजिए अभी सरकार अब जाने वाली है, इसलिए 3 महीना पहले मैया योजना लेके आया है और इस तरह से ठगने का काम कर रही है। इस बार पूरा जनता मन बना चुकी है, डबल इंजन का सरकार बनेगी झारखंड में और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर झारखंड की जनता अगर आपको अपना जन समर्थन देती है तो क्या झारखंड की जनता के उम्मीदों पर आप लोग खरा उतरेंगे? क्या एजेंडा है आप लोग के पास? बिल्कुल उतरेंगे। आज तक देख लीजिए कि बीजेपी जो भी आज तक अपना मैनिफेस्टो लाई है उसमें 99-100% हम लोगों ने पूरा किया है और इस बार भी हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग जिस तरह से हम लोग ये केवल गोगो दीदी योजना लेके आए हैं, लाडली योजना लेके आए हैं, जिस तरह से जो भी योजना हम लोग सेंट्रल से आएगा हम लोग उसको बिल्कुल जनता तक पहुँचाएंगे।
तो आपने सुना, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों के तादाद में चौथी बार हटिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जायसवाल, इस बार पार्टी ने उन्हें उन पर भरोसा जताया है। तो आप समझ सकते हैं चौथी बार पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। और आपको बता दूं कि उनका कई कार्य है जिसके वजह से जनता उनका जन समर्थन दे रही है। आप मेरे पीछे लाइव इंडिया कैमरे पे, मैं कहूँगा कि हमारे सहयोगी दिखाएं, जरा पीछे पड़ जाइए, देखिए सैकड़ों की तादाद में जो जन समर्थन है नवीन जायसवाल के पक्ष में निकल करके, खास करके नवीन जायसवाल की पत्नी रवीना जायसवाल वो पदयात्रा कर रही है और लोगों से बीजेपी के पक्ष में, नवीन जायसवाल के पक्ष में वोट देने के लिए अपील कर रही है। पदयात्रा में निकली हुई मैं इस वक्त मौजूद हूँ हटिया विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दूं कि झारखंड में दो चरणों में चुनाव होने वाली है। पहली चरण की मतदान 13 नवंबर को है, वहीं दूसरी चरण की मतदान 20 नवंबर को है और रिजल्ट जनता मुहर लगाएगी 23 नवंबर को। हम और भी इस पदयात्रा में शामिल कुछ नेताओं से जुड़ेंगे और जाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार झारखंड की जनता बदलाव करेगी? बदलाव तो 110% होगी बदलाव, और बदलाव का बहुत अपेक्षा भी लोगों को है। आज भी जितना भ्रष्ट झारखंड, जनता बदलाव क्यों करे? आप लोग का तो बहुत मौका दिया, मौका दिया, लेकिन हम लोग मौका में चौका भी मारे हैं। आज देख रहे हैं पूरा झारखंड में, इससे पहले जिस रघुवर जी का सरकार था जिसमें विकास का गंगा लहर यहाँ पर पूरा गंगा लहरा दिए थे, आज रोड नाली गाली जो कि बना हुआ जो देख रहे हैं वो रघुवर सरकार में ही बना है। और अभी तो केवल भ्रष्टाचार खाली हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, जो जो मैनिफेस्टो में जो जो वादा किए वो पूरा भी नहीं हुआ अभी तक। सब मांग के लिए धरना में बैठे हुए थे, अभी आचार संहिता लग गया है, अभी सब लोग विलम्ब है, समझ गया ना। यहाँ पर एकदम अंधकार, पूरा राज्य हम लोग अंधकार में है, लूट खसोट चोरी चमारी चिंताई से लेकर यहाँ पर क्या क्राइम नहीं हो रहा है। और जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव होगी, और ज़बरदस्त तरीके से बदलाव होगी। इस बार पूर्व बहुमत का सरकार भारतीय जनता पार्टी का आएगी। तो जो नेता है कार्यकर्ता है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार के कार्य से झारखंड की 3.5 करोड़ जनता नाराज है, नाखुश है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या झारखंड की जनमानस जनता, क्योंकि चुनाव के वक्त जनता ही मालिक होते हैं, और जनता क्या झारखंड में बदलाव करते हुए सत्ता से बेदखल बीजेपी को क्या पुनः सत्ता में वापसी कराती है, या फिर महागठबंधन के काम से खुश होकर पुनः एक बार महागठबंधन को मौका देती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही।